ये लगा दो। चुछ फैन चला दे, ये लगा रही हूँ काम में। नमस्ते राजेंद्र जी। नमस्कार देवेंद्र। नमस्ते। राजकुमार नमस्ते। कल्पना जी नमस्ते। साथियों, सभी का जनसरोकार मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में हूँ, तो जनसरोकार की सदस्य भी हूँ, तो मुझे आमंत्रित किया गया, इसलिए जनसरोकार मंच का भी बहुत बहुत आभार। और मैं अपनी कविताएं शुरू कर सकती हूँ। मुझे लगता है कुछ साथी आ गए हैं। देखा नमस्ते। सैयद सर नमस्ते। सुप्रिया बहुत नमस्ते। तो क्या मैं सीधे शुरू कर सकती हूँ? मुझे लगता है आधा ही घंटा है, इसलिए मैं अपनी कविताएं सुनाना शुरू करती हूँ। तो भागचंद जी नमस्ते। तो मेरी कुछ कविताएं इस तरह की हैं, आप ही सुनकर बताएंगे। निरुपमा नमस्ते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 5-6 अपनी कविताएं सुना पाऊँ इस समय में। तो एक कविता है सर्दी गर्मी और बारिश। तो कभी कभी लगता है कि कोई मौसम किसी के लिए बहुत सुहावना होता है और किसी के लिए लगता है कि बहुत त्राहिमाम त्राहिमाम करने वाला होता है। तो मुझे लगता है कि एक बार देख लें कि किसके मौसम कैसे होते हैं, और सबके लिए तो सुहावने नहीं होते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखी थी, वो सर्दी गर्मी और बारिश। ये एक अनुभव था। एक बार मैं जा रही थी और एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो उसको देखकर ही कुछ लिखी थी और कुछ मेरा एक्शन था। तो वो सर्द सुबह कोहरे की मावट में दांत किटकिटाता भीगता जा रहा था। वो सर्द सुबह में कोहरे की मावट में दांत किटकिटाता भीगता जा रहा था। फिर भी उसने मेरा शॉल मेरे देने पर भी नहीं लिया था। वो चला गया था भीगता दांत किटकिटाता बड़बड़ाता। मुझे नहीं पता उसके जाने के बाद मुझे मेरा शॉल गर्म लगा, ठंडा या उदास। मुझे नहीं पता उसके जाने के बाद मुझे मेरा शॉल गर्म लगा, ठंडा या उदास। वो तप्त दोपहरी में गुदड़ गादड़ लपेटे नंगे पैर डामर की तप्त सड़क पर चलती जा रही थी। वो तप्त दोपहरी में नंगे पैर डामर की तप्त सड़क पर चलती जा रही थी और मेरा मन कह रहा था, अरे किसी पेड़ की छाया में ही बैठ जाती। पर ये मेरा दिमाग कह रहा था, काश उसका ना ये कह पाता। तो साथियों, मैंने बहुत बार ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को देखा और मुझे एकदम से ऐसा मन किया कि बस क्या कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसे मन किया कि मैं ऐसे लोगों के साथ में काम करूं, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं हो पाता। तो बहुत सारी
आपकी तमन्नाएं होती हैं जीवन में काम करने की, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और आप बहुत थोड़ी सी शायद पूरी कर पाते हैं, बहुत सारी आप नहीं पूरी कर पाते। तो एक कविता है, सुरक्षित असुरक्षित। तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपनी बात नहीं रखते हुए सिर्फ कविताएं ही पढ़ रही हूँ अपनी। सुरक्षित असुरक्षित, सुरक्षित असुरक्षित शब्दों की सियासत के बीच जब नन्ही लड़कियों से लेकर बुढ़ियाओं तक नहीं पहुंच पाते उनके पैने नाखून और खूनी दांत। सुनिएगा, सुरक्षित असुरक्षित शब्दों की सियासत के बीच जब नन्ही लड़कियों से लेकर बुढ़ियाओं तक नहीं पहुंच पाते उनके पैने नाखून और खूनी दांत, तो वे माँ बहन की गालियों से चलाते हैं काम। तो वे माँ बहन की गालियों से चलाते हैं काम, उनकी आंखें करती रहती हैं बलात्कार और मौका पाते ही नोच डालती हैं किसी फूल सी लड़की को। हर दिन रंगे होते हैं खून से अखबार, हर दिन रंगे होते हैं खून से अखबार और पहुंचा रहे होते हैं चैनल हम तक किसी मसली देह की चीत्कार को। फिर भी देखो, सियासत में बेशर्मी से सुरक्षित शब्द अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद कर रहा है, जबकि हकीकत में असुरक्षित शब्द अपनी जगह बना चुका है। तो हम बहुत बार खतरे में होते हैं, लेकिन हमेशा कहा जाता है कि आप बहुत सुरक्षित हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी कुछ कविताएं और हैं। एक कविता मौसम को लेकर है। सबके मौसम एक से नहीं होते, सबके मौसम एक से नहीं होते। वो बारिश में यज्ञ रहे थे इंद्रदेव को बुलाने का, वो बारिश में यज्ञ कर रहे थे इंद्रदेव को बुलाने का, नाप रहे थे पानी मावठे का। वो बारिश में यज्ञ कर रहे थे इंद्रदेव को बुलाने का, नाप रहे थे पानी मावठे का। सूखा अच्छा नहीं लगता, सूखे में सूख जाते हैं आंसू भी, सूखे में सूख जाते हैं आंसू भी। और वो इंद्र की मेहरबानी पर सो नहीं पाए रात भर, और वो इंद्र की मेहरबानी पर सो नहीं पाए रात भर। घर की टीन के छेदों से टपकते पानी ने भर दिए थे उनके घर की बोतलें डिब्बे गिलास और परात, उनके घर की बोतल डिब्बे गिलास और परात भर गए थे टीन के छेदों से टपकते पानी से। ओ मौसम तुम आना, ओ मौसम तुम आना, झूम कर आना पर थोड़ा रहम के साथ आना। ओ मौसम तुम आना, झूम कर आना पर थोड़ा रहम के साथ आना। सबके लिए सर्दी गर्मी और बारिश एक से नहीं होते। तो ये मौसम है, कहीं बहुत सुहावना ऐसा दिलवाता है और कहीं पे बहुत कहर ढाता है। तो मौसम है, आते हैं मौसम जाते हैं मौसम। तो बस इस कविता के साथ में मेरी ऐसी ही दुआएं रहती हैं कि मौसम आए, अच्छे आए, सुहावने मौसम आए, लेकिन कहीं भी कहर नहीं बढ़ पाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जिनकी छतें टपकती हैं, जो तपती धूप में एक पेड़ की छाया के लिए तरसते हैं। तो कुछ ऐसी ही कविताएं हैं। एक कविता है, कमाना औरत होना। तो कई बार मुझे लगता है कि जब कोई ये कहता है कि औरत तो देवी है और वो सब कुछ कर सकती है, वो तो मौत को भी हरा सकती है और पता नहीं क्या क्या कर सकती है, तो मुझे लगता है कि वो सब कैसा है, शायद वो बड़ा ही भ्रम में रखने वाला है। शायद हमें समझना चाहिए कि औरत होना क्या होता है। तो एक कविता है, कमाना औरत होना। कभी मत पालना यह भ्रम, कभी मत पालना यह भ्रम कि तुम देवी हो। कभी मत पालना यह भ्रम
कि तुम देवी हो, तुम शक्ति स्वरूपा हो, तुम रोक सकती हो मौत को भी। कभी मत पालना यह भ्रम कि तुम शक्ति स्वरूपा हो, तुम देवी हो, तुम रोक सकती हो मौत को भी। यदि ऐसा होता तो तुम बलात्कार रोक पाती, यदि ऐसा होता तो तुम बलात्कार रोक पाती, तुम हत्याएं रोक पाती, परंतु ऐसा हुआ नहीं ना, ऐसा होता भी नहीं है। उन्होंने इन विशेषणों से तुम्हें बहलाए और तुम बहल गई, उन्होंने इन विशेषणों से तुम्हें बहलाए और तुम बहल गई। मानो अपने को कि तुम हाड़ मांस की औरत से ज़्यादा कुछ नहीं हो, मानो अपने को कि तुम हाड़ मांस की औरत से ज़्यादा कुछ नहीं हो। ये चमकीले लुभाव ने विशेषण जो तुम्हें मिले हैं, ये जो विशेषण हमको दे दिए जाते हैं कि तुम तो देवी हो, तो ये चमकीले लुभाव ने विशेषण जो तुम्हें मिले हैं, लौटा दो इन्हें और आओ मैदान में और कमाओ खुददारी से अपना औरत होना। तो सत्यनारायण जी नमस्ते, सुषमा वेलकम। तो अच्छा लग रहा है, कुछ मेरे दोस्त मेरे साथ में हैं अभी। तो एक कविता और है औरतों पर, तो कहीं ना कहीं औरतें बहुत हैं मेरे जहन में कि औरत होना बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत बड़ी बात है औरत होना। तो इसलिए मैंने इसी शीर्षक पर काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं। मेरा दूसरा जो कविता संग्रह है भरोसा भी बचा है, उसमें स्त्री शीर्षक से ही 17-18 कविताएं हैं। ऐसे ही पहले वाले जो कविता संग्रह मेरा आईना दिखता है उसमें भी स्त्री पर कुछ कविताएँ हैं, और दोनों कविता संग्रहों के बाद में भी औरतों पर लिखा जाना ख़त्म ही नहीं होता, और औरतें शीर्षक से कविताएं मेरे मुझसे हमेशा लिखने की मांग करती रहती हैं। तो एक कविता और है, बीना जी नमस्ते, दीपक सैनी जी नमस्ते, शिवराज जी नमस्ते। तो कुछ कविताएं मैं और पेश कर रही हूँ। औरतें जमीन में गाड़ी गईं, औरतें जमीन में गाड़ी गईं, लेकिन वो जमीन से निकलकर उस पर जमकर खड़ी हो गईं। औरतें जमीन में गाड़ी गईं, लेकिन वो जमीन से निकलकर उस पर खड़ी हो गईं। औरतों के पैरों में जंजीरें डाली गईं, लेकिन वो हर दिन अपनी आँच से जंजीरें पिघला रही हैं। औरतों के पैरों में जंजीरें डाली गईं, लेकिन वो अपने आँच से हर दिन उन्हें पिघला रही। औरतों के स्कूल छिने, बाजार छिने, लेकिन वो सब जगह आ रही हैं। औरतों के स्कूल छुने छिने, बाजार छिने, लेकिन वो सब जगह आ रही। गलियों में, सड़कों पर, चौबारों में, स्कूलों में, बाजारों में, हवाई जहाज में, नासा में, कहाँ नहीं। औरतों को बाहर कर बाहर का डर दिखाया, औरतों को बाहर का डर दिखाया, लेकिन वो घर बाहर दोनों जगह पैंतरा मार रही। औरतों को बाहर का डर दिखाया, लेकिन वो घर बाहर दोनों जगह पैंतरा मार रही। वो यूं ही बाहर नहीं आ गई हैं, वो यूं ही बाहर नहीं आ गई हैं, उन्होंने हर दिन अपनी आंखों में सपने देखे हैं। वो यूं ही बाहर नहीं आ गई हैं, उन्होंने हर दिन अपनी आंखों में सपने देखे हैं। उन्होंने हर दिन मन में बहुत से संकल्प दोहराए हैं, उन्होंने हर दिन आत्मविश्वास की बूंदें गटकी हैं। तो औरतें होना मुझे लगता है कि ऐसे ही नहीं बना जाता, औरतें होना बहुत सारा संघर्ष होता है एक औरत के साथ में, और एक औरत किस तरह से खड़ी होती है, किस तरह से वो खुद औरत बनती है, तो ये उसमें उसकी अपनी बहुत मेहनत होती है। तो बिना संघर्ष के, जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं मिलता है आपको बिना लड़े, तो हर दिन औरत को लड़ना पड़ता है। एक बार मैंने लिखा था एक जगह पर कि सब मीराओं को जहर का प्याला पीना पड़ता है, तो मैं मीरा को यहाँ पर कृष्ण की भक्त के रूप में ही नहीं देखती, मैं इस रूप में भी देखती हूँ कि एक संघर्षशील स्त्री के रूप में भी देखती हूँ,
कि जो तमाम अपने समाज की जो बेड़ियां हैं उनको तोड़कर बाहर निकलती हैं और वो अपने इच्छा से ईश्वर को समर्पित अपने को करती हैं। तो एक जो बेड़ियां हैं उनको तोड़कर बाहर निकली संघर्षशील स्त्री के रूप में मैं मीरा को अधिक पसंद करती हूँ और उनको याद करती हूँ। तो एक कविता छोटी सी है औरतों पर ही कि सुबह होते ही एक टांग पर नाचती, सुबह होते ही एक टांग पर नाचती, घड़ी से आगे दौड़ती औरतें हाथ बढ़ाकर रोक देती हैं सूरज को। तो इसको मैं दोबारा से पढ़ती हूँ, बहुत छोटी सी कविता है और मुझे बहुत प्रिय भी है। सुबह होते ही एक टांग पर नाचती, घड़ी से आगे दौड़ती औरतें हाथ बढ़ाकर रोक देती हैं सूरज को। तो मैंने स्त्रियों को ऐसे बहुत देखा है कि उनके वो घड़ी की सुइयों से आगे दौड़ती हैं, तो मल्टीटास्किंग होती हैं औरतें। और मैंने देखा, और मैं खुद भी कामकाजी महिला हूँ तो मैं जानती हूँ कि सुबह चार हाथ बना के काम करने पड़ते हैं। तो ये औरतों की ताकत है, औरतें इससे बहुत निखरती हैं अपनी इस ताकत को। जब वो संजोती हैं तो बहुत साहसी बनती हैं, बहुत हिम्मत वाली औरतें बनती हैं। तो उसी को ध्यान को मेरे दिमाग में ये बात आई और मैंने ये कविता लिखी। तो पूजा नमस्ते। अच्छा, आप कह रहे हैं आईना भीगता है से भी कविताएं सुनाऊं, मैं जरूर सुनाऊंगी आईना भीगता है से भी कविताएं। तो सूरज नमस्ते, संजय सेन नमस्ते। तो एक कविता मैं और सुना रही हूँ, ईश्वर होने का अर्थ। तो कविता नमस्ते, ईश्वर होने का अर्थ। तो कई बार लगता है कि जैसे ईश्वर है और कई बार लगता है कि ईश्वर नहीं है, तो यही एक ऊहापोह सी रहती है। तो फिर भी मैं कई बार ये मानती हूँ कि जब कुछ अच्छा होता है तो ये कहती हूँ कि ये प्रकृति का धन्यवाद है कि ये अच्छा हो पाया, और जब कुछ अच्छा नहीं होता तो लगता है कि ये ईश्वर यदि है तो ये बुरा क्यों हो रहा है। तो यही सब चीज़ें आती हैं कई बार दिमाग में और फिर कोई कविता रच दी जाती है मुझे लगता है। तो ये कविता है ईश्वर होने का अर्थ। इष्ट निंदा शब्द ही जैसे अपराधी शब्द है, इष्ट निंदा शब्द ही जैसे अपराधी शब्द है। ईश विनम्र होने की तो हमसे भी आशा की जाती है, ईश विनम्र होने की तो हमसे भी आशा की जाती है। धैर्य का पाठ तो हमें भी सिखाया जाता है, सहनशीलता की तो हमसे भी अपेक्षा की जाती है। पर ईश क्या तुम में हम जितनी भी विनम्रता नहीं, पर ईश क्या तुम में हम जितने भी विनम्रता नहीं, हम जितना भी धैर्य नहीं, हम जितनी भी सहनशीलता नहीं, क्यों तुम्हारे नाम पर आसिया बीवी को जेल में वर्षों सड़ना पड़ता है? क्यों तुम्हारे नाम पर आसिया बीवी को जेल में वर्षों सड़ना पड़ता है? क्यों तुम्हारे नाम पर तस्लीमा अपनी मिट्टी से निर्वासित कर दी जाती है? क्यों तुम्हारे नाम पर रश्मिका पर फतवा घोषित कर दिया जाता है? क्यों हंसते खेलते बेकसूर माजिद को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है? क्यों कबीर आंखों की किरकिरी बनते हैं? क्यों कबीर आंखों की किरकिरी बनते हैं? क्यों तुम्हारे दरबार में हम स्त्रियां नहीं आ सकती? क्यों तुम्हारे दरबार में हम स्त्रियां नहीं आ सकती? क्यों दलित नहीं आ सकते? क्यों विधर्मी नहीं आ सकते? ये तुम्हारे कण कण में भगवान है का क्या मतलब होता है? ये हम सब ईश्वर के संतान हैं, इसका क्या मतलब होता है? तुम बताओ, बताओ तो सही, कोई तो बताओ इनके अर्थ। मैं जानती हूँ तुम नहीं बता सकते इनके अर्थ, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं बता सकते इनके अर्थ। तुम में नहीं आएगी इतनी विनम्रता कि तुम अपनी निंदा सुन सको, तुम में नहीं आएगी इतनी विनम्रता कि तुम अपनी निंदा सुन सको। जो रोक सको कभी मंदिर मस्जिद से बाहर निकलकर रोज होते खून खराबे को, तो दे सको आदमी को आंख खोल कर देखने
और मुंह खोलकर कहने की आजादी। तो सुनो मेरा नाम भी लिख लो, तो सुनो मेरा नाम भी लिख लो, तुम्हारी निंदा में मुझे अच्छा लगता है ईश निंदा शब्द, मुझे अच्छा लगता है ईश निंदा शब्द। सुबह को सुबह में था मैं बस करते रहना। बिल्कुल सुषमा, ये हम सब स्त्रियों की कहानी है कि औरतें घड़ी से आगे दौड़ती हैं, हर स्त्री की कहानी है। बिल्कुल कविता, तो हम स्त्रियां हैं तो हम जानते हैं स्त्रियों का स्त्री होना और उनका ताकतवर बनना। तो एक कविता है महीन रिश्ते। महीन रिश्ते 0 से 100 तक रेंज होती है रिश्तों की, 0 से 100 तक रेंज होती है रिश्तों की, प्यार की भेदभाव की। 0 से 100 तक रेंज होती है रिश्तों की, प्यार की भेदभाव की। इन सब में नहीं होती स्पष्ट रेखा कोई, इन सब में नहीं होती स्पष्ट रेखा कोई। इनमें होता है ओवरलैप सा, इनमें होता है ओवरलैप सा, इसलिए तुम क्लेम नहीं कर पाते हो कई बार, इसलिए तुम क्लेम नहीं कर पाते हो असलियत को कभी, कभी कभी ही नहीं बहुत बार, इसलिए तुम क्लेम नहीं कर पाते हो असलियत को कभी कभी नहीं बहुत बार। जीवन गणित नहीं होता, जीवन गणित नहीं होता, 1 से 2 के बीच होते हैं बहुत से रेशे। जीवन गणित नहीं होता, 1 से 2 के बीच होते हैं बहुत बारीक रेशे, जिन्हें तुम पकड़ नहीं पाते पर वो होते हैं। तो ये कुछ कविताएं थी, और अभी मुझे पहले कविता संग्रह आईना देखता है से कुछ कविताएं भी पढ़ने के लिए कहा था। तो आप बताइए, मैंने लेट शुरू किया है तो क्या मैं 1-2 कविताएं और सुनाऊं? एक कविता है मेरी पहचान, ये मेरे पहले कविता संग्रह से है आईना भीगता है से। मेरे माथे पर बिंदी ना देख कुछ आंखें पूछती हैं, मेरे माथे पर बिंदी ना देख कुछ आंखें पूछती हैं, तुम मुसलमान हो। पैरों में बिछुए ना देख पूछती हैं, तुम कुमारी। पूजा न करते देख पूछती हैं, तुम आर्य समाजी हो, तुम नास्तिक हो। मैं धीमे से कहती हूँ मैं प्रकृति की, मैं धीमे से कहती हूँ मैं प्रकृति की कृति हूँ, मैं धीमे से कहती हूँ मैं प्रकृति की कृति हूँ, पर उन आँखों में किरकिराहट आ जाती है और वे अपने जेब में रखे बिल्लों में से एक बिल्ला मेरे माथे पर चस्पा कर देती हैं। पर उन आंखों में किरकिराहट आ जाती है और वो अपने जेब में रखे बिल्लों में से एक बिल्ला मेरे माथे पर चस्पा कर देती हैं। मेरे लिए मुश्किल होता है यह कहना कि तुम भी सबसे पहले यही हो, बस यही, बाकी सब बाद में, लेकिन वो बना दी गई हैं शायद ये सब। तो ये मेरे अनुभव से निकलकर कविताएं बनती हैं। तो कई बार मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारी आंखें ऐसे ही हमें तोलती हैं, बिंदी नहीं लगा रखी तो शायद मैं मुस्लिम हूँ, या मैंने बिछुए नहीं पहन रखे तो शायद मैं कुमारी हूँ। तो हम भी बहुत धोखा देते हैं लोगों को। तो ठीक है, आप अपनी पहचान के ये बिल्ले लेकर घूमिए, हम इंसान होने की पहचान से घूमते हैं। तो एक कमें मैं अपने दूसरा कविता संग्रह से भी सुनाती हूँ। भरोसा अभी बचा है। तो अभी लॉकडाउन के समय में मैं देख रही थी कि बहुत सारी जगह पर काफ़ी निराशा दिखाई दे रही थी और काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि हम लोग बंद हैं, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उसी दौरान मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इनोवेटिव चीज़ करते हुए देखा।
जैसे रेखा भी हमारे साथ में है, तो रेखा बेटी ने क्रोशिए से बहुत सारे दो तीन बैग बनाए, और मेरे परिवार में मैं और मेरा बेटा और हस्बैंड, हम तीनों लोग मिलकर खूब सारी कहानियाँ ऑडियो हमने बनाए और उनको भेजा अलग अलग जगह पर, टीचर्स को भेजा, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा, क्योंकि बच्चे जब घरों में हैं तो उनसे कम बच्चों को कुछ अच्छा सुनने को मिले, अभी स्कूल भी बंद हैं। और कहानियाँ जो जो हम हमारे बचपन में सुनते थे, दादी नानियाँ कहानी सुनाया करती थी, तो वो सब भी कल्चर अब बंद सा होता जा रहा है। तो हमें लगा कि ये एक अच्छा समय है कि जब हम कुछ अच्छी कहानियाँ छोटे बच्चों को पहुँचाएँ। और इस दौरान मैंने खुद ने बहुत सीखा, मैंने अपनी बेटी से सीखा कहानी सुनाने का हुनर, तो ये सीखने का भी एक अच्छा समय था। तो यह है कि जब हमारे पास समय बहुत सकारात्मक ना हो तो हमें अपने अंदर बहुत सी ऊर्जा जुटानी पड़ती है, और हम ऐसे आखिर जीना तो है, तो क्यों ना थोड़ा सा और आशाओं के साथ में जिया जाए, क्यों ना थोड़ा हिम्मत के साथ में जिया जाए, क्यों ना थोड़ा सा सकारात्मक सोच के साथ में जिया जाए और खुश रहने की कोशिश की जाए। तो मेरा भरोसा इस दुनिया को सुंदर बनाने में बहुत है। धोखेबाज बनना भी अच्छा लगता है बिल्कुल। तो एक कविता है, भरोसा अभी बचा है, ये दूसरे कविता संग्रह से है, और मुझे मुझे लगता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तो इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में मेरा हमेशा भरोसा बचा रहेगा, और शायद मैं कभी निराश नहीं होंगी। तो इसी आशा के साथ में मैं अपनी अंतिम कविता सुनाती हूँ, अगर आप कहेंगे और समय होगा तो मैं एक दो और सुनाऊंगी, पर ये मेरी तरफ से अंतिम कविता है। भरोसा भी बचा है, कलम अब बस मुझे तुम पर ही भरोसा है, कलम अब बस मुझे तुम पर ही भरोसा है, क्योंकि अब बलात्कारी बाइज्जत बरी हो रहे हैं, क्योंकि अब बलात्कारी बाइज्जत बरी हो रहे हैं, अब हत्यारे जेल की चौखट भी नहीं देख रहे हैं, अब सवर्ण ही देशभक्तों की अब सवर्ण देशभक्ति की कमान संभाल रहे हैं, अब चोर कुर्सी पर सह सम्मान विराज रहे हैं, अब चोर कुर्सी पर सह सम्मान विराज रहे हैं, अब पुलिस मनचाहा कहलवा रही है, अब पुलिस मनचाहा कहलवा रही है, अब अदालतें कुछ और ही फैसले सुनाने को मजबूर हो रही हैं, अब कानून धाराओं में टूटकर तरल हो रहा है, अब कानून धाराओं में टूटकर तरल हो रहा है, अब गवाह लचीले हो रहे हैं, अब गवाह लचीले हो रहे हैं, अब पड़ोसी मुझे चुप करवा रहे हैं, अब मन हार रहा है, अब मन हार रहा है, कलम ऐसे समय में बस मुझे तुम पर भरोसा है, कलम अब बस ऐसे समय में मुझे तुम पर भरोसा है, कि तुम दृढ़ रहोगी, तुम धारदार रहोगी, जो तुम ऐसा नहीं रही, जो तुम ऐसी नहीं रही, तो मैं सारी कविताओं को एक दिन पानी में बहा दूंगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर कविता आपके कठिन समय में आपका सहारा नहीं बनती, आपको जगाती नहीं, वो धारदार नहीं रहती, तो वो कलम क्या करेगी फिर? तो कलम तो मुझे लगता है बहुत धारदारी होनी चाहिए, पैनी होनी चाहिए, तीखी होनी चाहिए, लचीली नहीं होनी चाहिए। तो कलम से मेरी यही अपेक्षा है। तो अगर आप समय है और आप कहें तो मैं एक दो कविता और सुनाऊं, नहीं तो हम अभी इसको रोक सकते हैं। क्या मैं एक दो कविता और सुनाऊं या अभी रोक सकते हैं? अभी समय है, एक कविता लास्ट अपनी तरफ से सुनाती हूँ। औरत तू ठटाकर हंस, ये कविता मेरी व्हाट्सएप पर और बिना नाम और शीर्षक के बहुत सारी जगह से घूम कर आई। तो कुछ कविताओं को सुनने की बहुत हिम्मत भी होनी चाहिए। एक मेरी कविता अभी मैं लेकर नहीं बैठी हूँ, लेकिन वो भी
लिखने से, लिखने के साथ साथ सुनने वाले में भी कविता बहुत हिम्मत होनी चाहिए। तो एक कविता है, औरत तू ठटा कर हंस, औरत की बेफिक्र चाल धक्क सी लगती है किसी को। औरत की, ओके, तो अभी हमारे पास समय है देवेन, ठीक है, मैं कुछ और कविताएं भी सुनाती हूँ। औरत तू ठटा कर हंस, औरत की बेफिक्र चाल धक्क सी लगती है किसी को। औरत की बेपरवाह हंसी, औरत की बेफिक्र चाल धक्क सी लगती है किसी को। औरत की हंसी बेपरवाह सी लगती है किसी को। औरत का बेरोक टोक यहाँ वहाँ आना जाना स्वच्छंद होना सा लगता है किसी को। औरत का प्रेम करना निर्लज्ज होना सा लगता है किसी को। औरत का सवाल करना हुकूमत के खिलाफ सा लगता है किसी को। औरत तू समझती है ना यह जाल, औरत तू समझती है ना यह जाल, इस जाल की तमाम रस्सियां एक ही सूत से बंटी हुई हैं। औरत तू समझती है ना यह जाल, इस जाल की तमाम रस्सियां एक ही सूत से बंटी हुई हैं, जिसका रेशा रेशा चरित्रहीन कहता है तुझे। लेकिन औरत तू चल अपनी चाल, लेकिन औरत तू चल अपनी चाल, कि नदी भी बहने लगे तेरे साथ साथ। औरत तू चल अपनी चाल, कि नदी भी बहने लगे तेरे साथ साथ। तू ठटा कर हंस, कि बच्चे भी खिलखिलाने लगे तेरे साथ साथ। तू नाच, कि पेड़ भी झूमने लगे तेरे साथ साथ। तू नाप धरती का कोना कोना, कि तू नाप धरती का कोना कोना, कि दुनिया का नक्शा उतर आए तेरी हथेली पर। तू कर प्रेम, कि अब लोग प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। तू कर प्रेम, कि अब लोग प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। तू कर हर वो सवाल, तू कर अब हर वो सवाल, जो तेरी आत्मा से बाहर निकलने को धक्का मार रहा है। ये सवाल उठाने को तो मैं हमेशा कहूंगी, तू कर हर वो सवाल, जो तेरी आत्मा से बाहर निकलने को धक्का मार रहा है। तू उठा कलम और कर हस्ताक्षर, तू उठा कलम और कर हस्ताक्षर अपने चरित्र प्रमाण पत्र पर, कि तेरे चरित्र प्रमाण पत्र पर अब किसी और के हस्ताक्षर अच्छे नहीं लगते। तो स्त्रियों को बहुत चरित्र प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे चरित्र प्रमाण पत्र पर तो हम हस्ताक्षर करेंगे, आप कौन, हमें हस्ताक्षर नहीं चाहिए आपके, उन पर हस्ताक्षर हम करेंगे। तो कुछ और कविता हैं, आंखें शीर्षक से दो तीन चार मैं कविताएं सुनाती हूँ। आंखें, बस आंखें, बस नहीं होती कहने को, आंखें बस नहीं होती कहने को, तुम कितना सच बोलती हो। आंखें बस तुम्हें होती कहने को, तुम कितना सच बोलती हो। जब तुम बोलती हो ना, तो मन करता है बस तुम्हें को देखती रहूं। आंखें जब तुम बोलती हो, तो मन करता है बस तुम्हें को देखती रहूं। सच में तुम तो सारे एहसासों को समेट हर्फ दर हर्फ बयां कर देती हो। तुम तो सारे एहसासों को समेट हर्फ दर हर्फ बयां कर देती हो, और सामने बैठे मुंह में फिरती जीभ को भी अपनी पैनी नजरों से ताड़ लेती हो। और आजकल लगता है मुंह और तुम में कुछ मेल कम हो गया है, पर आजकल लगता है मुंह और तुम में मेल कुछ कम हो गया है। कभी कभी तो ये मुंह मेरा झूठ बोलने लगा है, कभी कभी तो ये मुंह मेरा झूठ बोलने लगा है। पर ये बेचारा भी क्या करे, इसे कितने सारे मुंह के बीच में जो रहना होता है। पर सुनो, मुंह मुंह कब दोस्त बने हैं, दोस्त तो आंखें आंखें ही रही हैं। तो मुझे लगता है कि मुंह को बहुत कहने की जरूरत नहीं होती,
आंखें बहुत सच बोलती हैं, मुंह तो कई बार बहुत झूठ बोलता है, तो उसे तो बहुत सारे मुंहों के बीच में रहना है तो उसे कई बार झूठ बोलना पड़ता है, पर आंखें झूठ नहीं बोलती। इसलिए मुझे आंखों को पढ़ना ही पसंद है और मैं आंखों को ही पढ़ती हूँ। मुंह पर विश्वास मुझे बहुत नहीं होता कई बार। आंखें शीर्षक से ही एक कविता है। उसकी आंखें कुछ और देखती हैं, उसकी आंखें कुछ और देखती हैं, दिमाग कुछ और देखता है। उसकी आंखें कुछ और देखती हैं, दिमाग कुछ और देखता है। उसकी आंखें कुछ और पढ़ती हैं, उसका दिमाग कुछ और पढ़ता है। उसके कान कुछ और सुनते हैं, उसका दिमाग कुछ और सुनता है। उसका मुंह कुछ और बोलता है, उसका दिमाग कुछ और बोलता है। पर ऐसा क्यों होता है? एक कविता है इसी शीर्षक से। हेलो गरिमा, हंसराज जी नमस्ते। तो मैं कुछ कविताएं इसी शीर्षक से और सुना रही। उसकी आंखों में जब जब सपने उगे, उसकी आंखों में जब जब सपने उगे, लोगों की दरातियां पैनी होती गईं। उसकी आंखों में जब जब सपने उगे, लोगों की दरातियां पैनी होती गईं। कुछ सपने कटे, कुछ मुरझाए, कुछ रुंध गए पैरों तले। कुछ सपने कटे, कुछ मुरझाए, कुछ रुंध गए पैरों तले, पर उसकी आंखों में तो सपनों के बीज दबे थे। पर उसकी आंखों में तो सपनों के बीज दबे थे। हवा पानी पाने से बीज अंकुरित होते रहे। अब लहलहाती है उसके सपनों की फसल, अब लहलहाती है उसके सपनों की फसल। हर दिन नए नए सपने उगते हैं, हर दिन नए नए सपने उगते हैं। अब उसकी आंखों में वो उगते रहेंगे, उसकी आंखें धुंधला जाने तक। तो मुझे लगता है कि जब भी सपने उगेंगे एक स्त्री की आंखों में, तो बहुत सारी हाथों की दरातियां पैनी हो जाएंगी उसके सपने काटने को। लेकिन मुझे लगता है जब औरत सपना देखती है तो वो देखती है, और वो सपने उसकी आंखों में हर दिन आते हैं और हर दिन वो नए सपने बुनती है। और औरत शायद सपने तब तक बुनेगी जब तक उसकी आंखें धुंधला नहीं जाएंगी। तो एक छोटी सी कविता है आंखें परी। उसकी आंखें अब रोती नहीं हंसती हैं, उसकी आंखें अब रोती नहीं हंसती हैं। एक कविता है, मैं पत्र लिखना चाहती हूँ। तो कहते हैं कुछ दोस्त पत्र लिखो, कहते हैं कुछ दोस्त पत्र लिखो, पर काश पर लिखे हुए पत्र मेरी उंगलियां कांपती हैं। कहते हैं कुछ दोस्त पत्र लिखो, पर कागज पर लिखते हुए मेरी उंगलियां कांपती हैं। मुझे पता है मैं जिसे भी वो पत्र लिखूंगी, मुझे पता है जिसे भी मैं वो पत्र लिखूंगी, वो मेरे पत्र लिखे पत्र को जस का तस नहीं पढ़ पाएंगे। मुझे पता है मैं जिसे भी वो पत्र लिखूंगी, पर वो मेरे लिखे को जस का तस पढ़ नहीं पाएंगे। हालांकि मैं लिखना और वो पढ़ना जानते हैं। तो पढ़ना और लिखना, तो पढ़ने वाला लिखने वाले को लिखने वाले की तरह ही पढ़ पाए, कितनी सुंदर बात है। तो एक कविता मैंने लिखी थी जब मलाला को गोली लगी थी पाकिस्तान में। तो मलाला उस समय 15 साल की थी, और मलाला के वो पर्याय बन गई ऐसी बच्चियों की जो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं और किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो मलाला को समर्पित है ये कविता, और मलाला जैसी तमाम लड़कियों को, तमाम स्त्रियों को ये कविता समर्पित है। 15 साल की मलाला, तुम जियो 115 साल। 15 साल की मलाला, तुम जियो 115 साल। तुम नहीं मरोगी गोली से, तुम नहीं मरोगी गोली से,
क्योंकि तुम्हारी धमनियों में बहता लहू का हर कतरा गर्म है। तुम नहीं मरोगी गोली से, क्योंकि तुम्हारी धमनियों में बहता लहू का हर कतरा गर्म है। तुम्हारी सपनीली आंखों में लड़कियों के शिक्षित होने के सपने हैं। तुम्हारी सपनीली आंखों में लड़कियों के शिक्षित होने के सपने हैं। तुम्हारी आवाज आसमान से बात करती है। तुम्हारी आवाज आसमान से बात करती है। भला ऐसी फौलाद लड़की को कौन मार सकेगा? तालिबानियों, मारो तुम एक मलाला, 1000 मलाला पैदा हो जाएंगी, ठीक पत्थर चट्टे की तरह, जिसके हर पत्ते से एक नया पौधा उगाता है। पता है, बंदूक के कारखाने में जितनी बंदूकें बनती हैं, उनसे ज्यादा आवाजें हुमकती हैं दिलों में, बेताब होती हैं बाहर आने को, हाथ बढ़ाती हैं आगे छूने को आकाश। तो औरतें बंदूक की गोलियों से नहीं रुकती, और हर वो दिल जो एक संकल्प लेता है वो कभी रुकता नहीं। कितने भी रास्ते आए, आप देखिए कि इंसान ऐसा होता है कि नदी की तरह, जब उसके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है तो नदी को रास्ता आप पत्थर डाल दीजिए, वो अपना रास्ता बना लेगी। तो जब आपके सपने होते हैं, दृढ़ संकल्प होते हैं, तो आप कभी रुकते नहीं। एक कविता है, मैं छोटी छोटी कुछ कविताएं और सुनाती हूँ। ये आदमी शीर्षक से हैं। आदमी के अंदर रहता है एक और आदमी। एक आदमी के अंदर, निदा फाजली कहते हैं, 10-20 आदमी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो इस तरह से देखते हैं, और वो बात सही भी हो सकती है, पर मैं यहाँ पर एक आदमी के अंदर दो आदमी तो इस तरह से देखती ही हूँ। कि आदमी के अंदर रहता है एक और आदमी, रहते हैं दोनों साथ साथ पर खूब झगड़ते हैं, चलते रहते हैं द्वंद उन दोनों के बीच। उन दोनों को झगड़ते देखा है मैंने बहुत बार, उन दोनों को झगड़ते देखा है मैंने बहुत बार। एक रात तो रात के आदमी ने कह दिया, एक रात तो रात के आदमी ने कह दिया, देख जैसे जैसे तू बूढ़ा होगा वैसे वैसे मैं और जवान होऊंगा। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो उसके अंदर का आदमी और ज़्यादा ताकत के साथ बोलने लगता है। देख जैसे जैसे तू बूढ़ा होगा वैसे वैसे मैं और जवान होऊंगा। इस बात पर हुई थी रात भर दोनों के बीच खूब कहा सुनी, तब से रात का आदमी रहने लगा था दिन में चुप चुप। तब से रात का आदमी रहने लगा था दिन में चुप चुप, पर रात तो उसकी अपनी थी ना, पर रात तो उसकी अपनी थी ना। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि पहले ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था पहले ये दोनों साथ साथ रहते थे। पता नहीं इनके बीच ऐसा क्या हो गया कि दोनों अब रहने लगे हैं अलग अलग। दिन का आदमी अब रात के आदमी को सुनना ही नहीं चाहता, पर ये रात का आदमी भी कम थोड़े ही है, बिना बोले कहाँ चुप रहने वाला है। चाहे हार जाए दिन के आदमी से, वो रात के आदमी, मैंने सुना है तुम में बहुत ताकत है, तुम लड़ो ना इस दिन के आदमी से, तुम लड़ो ना इस दिन के आदमी से, पता है तुम ही जीतोगे। जब रात और दिन के आदमी में झगड़ा हो जाए तो रात का आदमी ही जीतता है। तुम लड़ो ना इस दिन के आदमी से, पता है तुम ही जीतोगे। तुम में बहुत ताकत है यार, बस तुम बाहर आकर खड़े हो जाओ और दिन में भी चलो इस आदमी के साथ जो घूम रहा है तुमसे अलग थलग, फिर देखो आदमी आदमी लगने लगेगा। एक कविता और आदमी ही शीर्षक से। वह देख रहा था आदमी को सही जगह पर पूंछ हिलाते हुए। वह देख रहा था आदमी को सही जगह पर पूंछ हिलाते हुए और मन ही मन हीन भावना का शिकार हो रहा था। काश उसके भी पूंछ होती, काश उसके भी पूंछ होती तो उसके भी शरीर का संतुलन बन गया होता। यूं तो पूंछ का बीज
उसके नर्म मिट्टी से बने शरीर में था ही नहीं। यूं तो पूंछ का बीज उसके नर्म मिट्टी से बने शरीर में था ही नहीं, था या नहीं उसे खबर नहीं, लेकिन उसे इतना पता है कि मौसम की शुरुआती गर्म हवाओं ने कुछ ऐसा रंग दिखाया कि उसके शरीर में पूंछ बीज होता तो भी इन हवाओं के चले कहाँ अकुआ पाता। साइंस कहता है पूंछ शरीर का संतुलन बनाने के काम आती है। उसे अब समझ में आ रहा है कि उसका शरीर इतना क्यों लड़खड़ाता है। उसे अब समझ में आ रहा है कि उसका शरीर इतना क्यों लड़खड़ाता है। तो मुझे लगता है कि पूंछ भी पूंछ का सही जगह पर हिलाना भी बहुत कम लोगों को आता है, और जिनको सही जगह पर पूंछ हिलाना नहीं आता उनके शरीर का संतुलन बहुत लड़खड़ाता है। बहुत बार वो गिरते गिरते बचते हैं, लेकिन वो अपनी हिम्मत से फिर से खड़े होते हैं, और फिर से खड़े हो जाने का नाम ही आदमी है। और वो खड़े हो जाते हैं, उनको पता है वो खड़े हो जाएंगे, इसलिए ही वो सही जगह पर पूंछ नहीं हिलाते। एक अंतिम कविता और, ये मेरी प्रिय कविता है, पागलों के लिए जगह नहीं। तो इसमें भी वही स्त्री है जो बहुत करीब है मेरे दिल के। पागलों का कोई घर नहीं होता, पागलों का कोई घर नहीं होता, पागलों का कोई गांव नहीं होता, पागलों का कोई देश नहीं होता, पागलों का कोई घर नहीं होता, पागलों का कोई गांव नहीं होता, पागलों का कोई देश नहीं होता, पागलों पर कोई हक नहीं जमाता, पागलों पर कोई हक नहीं जमाता, फिर भी पागल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं किसी न किसी गांव में, शहर में, देश में, फिर भी पागल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं किसी न किसी गांव में, शहर में, देश में। पागल गांव में होते हैं तो बच्चे उन्हें पत्थर मारने का मजा लेते हैं, घरों दुकानों के सामने से वे दुत्कार दिए जाते हैं, पर शहर बड़े सभ्य होते हैं, पर शहर बड़े सभ्य होते हैं, यहाँ के न पुरुष न महिलाएं न बच्चे उन्हें तंग करते हैं, पर शहर बड़े सभ्य होते हैं, यहाँ के न पुरुष न महिलाएं न बच्चे उन्हें तंग करते हैं, यहाँ कोई पत्थर नहीं मारता उन्हें, कोई देखता तक नहीं उन्हें, वो मुट्ठी भर भर गालियां फेंके तब भी कोई नहीं देखता उन्हें, वे दिन भर बड़बड़ करते फिरें तब भी कोई नहीं देखता उन्हें, सब आंखें चुराते हुए जल्दी से उनके पास से गुजर जाना पसंद करते हैं। कौन लगे इनके मुंह, कौन लगे इनके मुंह, शहरों में पागल पुरुष तो किसी काम के नहीं होते, शहरों में पागल पुरुष तो किसी काम के नहीं होते, अलबत्ता औरतें दिन में कितनी ही बदसूरत और पगली कहलाएं, अलबत्ता औरतें दिन में कितनी ही बदसूरत और पगली कहलाएं, पर रात के अंधेरों में वहशी आंखों द्वारा खींच ली जाती हैं मौका पाते ही, और फिर भरी जून की गर्मी में कंबल में लिपटी, ऊबड़ खाबड़ सख्त जूते पहने लूले हाथ की गूंगी पगली औरत दिखती है मुझे पूरे 9 महीने से। तो ये एक पागल स्त्री है। तो बहुत जब कविताएं लिखते हैं तो मुझे लगता है कि ये अंदर की पीड़ा से बहुत निकलती है, और कविता रचना बहुत मुश्किल होता है, और कविता लिखने के बाद में लगता है कि जैसे मैंने अपनी बात तो कही और जो कर सकती थी शायद वो मुझे करना चाहिए था और मैंने किया। तो स्त्रियों को मैंने बहुत सारे रंगों में देखा है, पिटते देखा है, घर से निकाल दिए जाते देखा है, पागल औरत को देखा है, बहुत सारे यौन हिंसा होते देखा है, ब्लैकमेल होते देखा है, इसलिए औरतें मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और यूं तो हर हाशिए पर रहने वाला मेरे बहुत करीब है, इसलिए मेरी कविता और कहानियों में हमेशा जो लोग हाशिए पर हैं
वही स्थान पाप पाते हैं। तो साथियों, मुझे लगता है कि अब हम इसे समाप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने लेट शुरू किया था और इसलिए अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर आप कुछ कविताओं के बारे में कुछ कहना चाहें, कोई आपका सवाल हो तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं। शुक्रिया सुप्रीता। तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो सभी को नमस्ते, शुक्रिया, आप सब आए, अच्छा लगा। तो हम जनस्वकर मंच की तरफ से आप सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ और जनस्वकर मंच में भी हमारे मित्र देवेंद्र जोशी को भी बहुत शुक्रिया, आभार। तो मैं आधी जनसरोकार के अंदर हूँ और आधी बाहर हूँ। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया, नमस्ते।